आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट स्पीड एंड पोजीशन सेंसर के बारे में। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये सेंसर कहाँ लगता है, इसका काम क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉल कोड आते हैं और वो फॉल कोडों के आने का रीजन क्या है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त अजय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मजो का ऑटो टैक पे। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं BS6 सीरीज के पार्ट 3 में क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लोकेशन की। तो फ्रेंड, ये डंपर पुली और जिसे वाइब्रेट पुली भी कहते हैं, उसके टॉप पे लगा होता है। इसके जो ये आप चित्र देख रहे हैं फ्रेम 1 में, ये डंपर पुली है हमारी और ये उसके टॉप पे लगा हुआ है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जो BS6 गाड़ी है उसमें दो प्रकार के इंजन आते हैं, एक को हम अतुल्य बोलते हैं और एक को अश्वमेध बोलते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, जो अश्वमेध का है जो डंपर पुली के टॉप पे लगता है, अगर आप अतुल्य इंजन में काम कर रहे हैं तो यही सेंसर की लोकेशन थोड़ी सी चेंज की हुई है। इसकी जो उस इंजन में जो इसकी लोकेशन है वो यहीं पे ही है, डंपर पुली पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में थोड़ा लगाया हुआ है। बाकी इसके फाल कोड, काम करने का तरीका वगैरह सब सेम है। तो अब बात करते हैं हम इसके कपलर की। तो कपलर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम आप ये गोल लाइन में देख सकते हैं, पीले कलर के जो हमने जो गोला बनाया हुआ है, इसमें ये प्लास्टिक का होता है, रबड़ का डस्ट, जिसे डस्ट कवर बोलते हैं, आप इसे ऊपर करेंगे। और उसके बाद हम फ्रेम 2 में देखते हैं, ये आप सफेद कलर का एक लॉक देख रहे हैं जो हमने ये एरो के निशान से आपको दिखाने की कोशिश करी है। हम इस वाले सफेद लॉक को किसी पेचकस या हाथ की सहायता से सफेद वाले लॉक को ऊपर की साइड में पुश करेंगे, खींचेंगे। और उसके बाद हम आप बात देखते हैं फ्रेम 3, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये लॉक ऊपर आ चुका है। ये आप फ्रेम 2 में देखें लॉक नीचे और फ्रेम 3 में लॉक ऊपर है। और जब ये हमारा ऊपर आ जाएगा तो हम इसी लॉक को दबाएंगे और पूरे कपलर को ऊपर की साइड में खींचेंगे तो इजीली बाहर आ जाएगा। तो जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमें ये कपलर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें 3 वायर होते हैं जो हमारे इशू के J1 के कपलर के साथ में जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं हम इसके काम का। तो फ्रेंड, इसका काम होता है जो इंजन के RPM होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इशू को देना कि हमारा इंजन किस RPM पे घूम रहा है। और तो बस इसका यही काम है, हमारे इंजन के RPM को इशू को बताना कि हमारा इंजन किस RPM पे घूम रहा है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड फाल कोड कौन कौन से होते हैं और वो क्यों आते हैं। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपको जो ये सिर्फ 4 कोड ही देखने को मिलेंगे। तो पहला जो हमारा कोड है वो 134 है, 23234। दूसरा हमारा फाल कोड है 689। तीसरा फाल कोड है 731 और 2321। तो चलिए हम एक एक फाल कोड पे बात कर लेते हैं, ये फिर क्यों आते हैं और इन्हें ठीक करने का क्या तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं हम 234 फाल कोड के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये क्यों आता है। तो लैपटॉप में जब हम इस फाल कोड को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इंजन स्पीड सेंसर इंडिकेट इंजन स्पीड अबाउट इंजन प्रोटेक्ट लिमिट। इस फाल कोड का कहने का मतलब है हमारे जो इंजन की स्पीड होती है वो स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, यानी जो उसके जहाँ पर इंजन की प्रोटेक्ट स्पीड होती है उससे स्पीड काफी ज्यादा हाई हो गई है, उस कंडीशन में ये हमारा फाल कोड एक्टिव में आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंजन की स्पीड बढ़ी क्यों है, हमारी इंजन स्पीड ओवर स्पीड हुआ क्यों है। तो फ्रेंड, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है ड्राइवर द्वारा गाड़ी में गियर डाउन मारना। गियर डाउन क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो छठे या सातवें गियर में चल रही है। आप उदाहरण ले लेते हैं, छठे गियर में चल रही है और अगर ड्राइवर को गाड़ी रोकनी है तो वो सबसे पहले गियर को शिफ्ट करेगा 5 नंबर में। अगर वो 5 नंबर में शिफ्ट ना करके 3 या 4 में गियर को डाउन कर देगा, 3 नंबर में ले आएगा या 4 नंबर में ले आएगा, तो उसे बोलते हैं गियर डाउन, और जिसकी वजह से हमारा इंजन की RPM बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं।
दूसरा हमारा जो इंजन स्पीड बढ़ने के कारण है, वो जहां तक मैंने देखा है, जो हमारा टर्बो होता है कभी वो ऑयल उठाने लग जाता है, उसके अंदर ऑयल उठाने की समस्या आप लोगों ने कई बार देखी होगी। तो फ्रेंड वो जो ऑयल है हवा के साथ में इंटैक्ट में जाके और पिस्टनों पे जब पहुंचता है तो उससे एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाता है, जिसकी वजह से उसमें पावर ज्यादा जनरेट होती है और इंजन के आरपीएम बढ़ सकते हैं। पर ये जो ऑयल की मैं समस्या बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम केस में देखने को मिलती है, लेकिन ये समस्या भी काफी गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो ये दो कारण होते हैं इंजन स्पीड के ओवर स्पीड होने के। के साथ साथ हम ये भी एक बार नजर मार लेते हैं कि अगर हमारे गाड़ी के आरपीएम बढ़ते हैं तो हम लैपटॉप में कहाँ देख सकते हैं कि हमारे गाड़ी के आरपीएम बढ़े हैं, तो कहाँ तक गया है आरपीएम, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। उसके लिए हम अपना एक बार इनसाइड का सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। जो हमने अपना इनसाइड का सॉफ्टवेयर को उसमें वर्क ऑर्डर में जाके कर लिया और हम अपने किसी पुरानी गाड़ी का एक बार डाटा देख लेते, तो हम किसी भी गाड़ी के साथ इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे इंसम ईमेल के साथ कनेक्ट हो चुका है और एक बार हम इसमें के फाल कोड में जाते हैं। तो जहाँ पर हम फाल कोड देखते हैं, वहीं ऊपर ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, टीसीएम टाइम, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ की ऑन टाइम। तो फ्रेंड इसका मतलब ये होता है कि हमारी गाड़ी बेशक बंद ही है, हमारी गाड़ी का इंजन बंद है, अगर हमने चाबी ऑन कर दी है तो वो एक टाइम काउंट होता है। एक सपोज करते हैं हम कि हमारी गाड़ी रात भर हमने चाबी ऑन कर रखी है और हमने गाड़ी को बंद कर रखा है, तो हमने 12 घंटे तक चाबी ऑन ही रखी और हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद है। तो हमारे ये जो नीचे आप देख सकते हैं इंजन हॉर्स है ना, ये हमारे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर आधा घंटा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चाबी ऑन का टाइम होता है और उसके नीचे हमें दिखाता है इंजन हॉर्स, हमारे इंजन के घंटे कितने हुए हैं। तो ये दोनों टाइम अलग अलग है। जब भी हमें इंजन के आरपीएम ज़्यादा कब हुए हैं वो देखने के लिए हमें इस टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये टाइम ध्यान के हिसाब से देखा जाएगा, तो हम इसको एक बार नीचे कर लेते हैं ताकि हमें ये टाइम भी दिखता रहे। तो उसके बाद हम खोलेंगे एडवांस ईसीएम डाटा। ये हमने एडवांस ईसीएम डाटा खोल लिया और इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये किस किस के ऑप्शन है इनके पर अभी हम बात नहीं करते हैं, जैसे जैसे हमारे और टॉपिक आएंगे और उससे रिलेटेड इनमें कुछ भी चीज़ होगी तो हम डिस्कस करेंगे उसके पर, जैसे अभी कर रहे हैं। तो इनमें से हमें देखना है इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलेगी। इसमें हमें वही वाले फाल कोड देखने को मिलेंगे जो हमारा 234 को कोड है और जहाँ पर हमें वैल्यू बताएगा कि हमारी गाड़ी के कितने आरपीएम गए हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो जहाँ पर हमारी गाड़ी के आरपीएम गए हैं 3594, और जहाँ पर आगे हम देखेंगे ये टाइम दिखाएगा कि कितनी सेकंड के लिए इतने आरपीएम गए हैं, और आगे हमें दिखा रहा है इश्यू टाइम यानी की ऑन टाइम। जहाँ पर आप देखेंगे तो हमें टाइम दिखाई दे रहा है 1390 घंटे, और अभी जब हमने गाड़ी में लैपटॉप जब कनेक्ट करा था उस टाइम हमारे की जो टाइम था वो था 1393। मतलब हमारा 3 घंटे पहले ही ये आरपीएम इतना गया था जो ये हमें टाइम दिखा रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ये प्लस का निशान है, तो हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें और भी डाटा दिखाएगा कि गाड़ी का टाइम आरपीएम किस किस टाइम कितना गया था और वो उसका टाइम क्या था, कितनी देर के लिए गया था। तो हम अगर दूसरी लाइन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 4992 आरपीएम गया था, 5 सेकंड के लिए गया था, और टाइम क्या था 1390 घंटे और 19 मिनट और 26 सेकंड पर ये टाइम जो टाइम था उस टाइम हमारे आरपीएम गए थे। और ये फ्रेंड दूसरा आप देख सकते हैं 5974 आरपीएम, बहुत ही ज्यादा है, लगभग लगभग एम्प्रोक्स आप
लगा लो 6,000 के आसपास आरपीएम इसके गए हैं। कितनी देर के लिए गए हैं? 3 मिनट, 3 सेकंड के लिए गए हैं, और गया कब था? 1390 घंटे, और 19 मिनट और 22 सेकंड, पर ये गया था इतना आरपीएम। तो ये आप यहाँ पर आके इसमें पूरा डाटा देख सकते हैं कि हमारे आरपीएम गाड़ी के कितने कितने गए थे और कब कब गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अपने फालकोट 689 के बारे में, और देखते हैं लैपटॉप में ये फालकोट आने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये कह रहा है द इंजन हैज डिटेक्ट एट एरर इन द इंजन स्पीड सिग्नल। इसके कहने का मतलब है इशू ने ये देखा है या डिटेक्ट किया है कि इंजन स्पीड सेंसर का जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसके जो कारण है उस पर बात करते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात करी थी, ये सेंसर 3 पिन का होता है, जिसमें एक में 5 वोल्ट सप्लाई आती है, एक हमारा रिटर्न का हो गया, रिटर्न यानी अर्थ का हो गया, और तीसरा हमारा सिग्नल का वायर हो गया। तो फ्रेंड, इन तीनों वायरों में या तो कोई शॉर्ट सर्किट होगा या वायर टूटा हुआ होगा, तो इस कंडीशन में हमारा ये फालकोट एक्टिव में आएगा। और या अब हमारा सेंसर ही सिग्नल ना दे रहा हो तो भी ये फालकोट हमारा आएगा। तो वायरिंग संबंधित तीनों वायरों में से कोई भी वायर प्रॉब्लम करेगा तो हमारा ये कोड आएगा। और कुछ पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा आपको काउंट ज्यादा दिखाई दे, एक्टिव इनएक्टिव में कोड हो, क्योंकि अक्सर ये देखने को आया जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस पोजीशन में ये एक्टिव हो जाता है, जब हम गाड़ी को बंद करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, और कोई वायर अगर पूरा टूट गया है तो आपको ये कोड एक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। अपने को वायरिंग को अच्छी तरह चेक करना होगा, और वायरिंग सही है तो हमें सेंसर भी बदलना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे फालकोड 731 की। जब हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इंजन पोजीशन सिग्नल फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर टू नॉट मैच। इस फालकोड में ये कहा जा रहा है कि इंजन की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन यानी पोजीशन दो टाइप की होती है, एक जो इंजन के आरपीएम में और दूसरी जो टाइमिंग होती है। तो क्रैंक शाफ्ट सेंसर और कैम शाफ्ट सेंसर ये दोनों ही काम करते हैं, एक तो टाइमिंग का भी बताते हैं और इंजन की स्पीड भी बताते हैं। तो इस फालकोड में हमें ये बताया गया कि इन दोनों के जो सिग्नल है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में सबसे बड़े जो कारण हमें देखने को मिले हैं, या तो हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब है, या कैम शाफ्ट वाला जिसे हम टाइमिंग सेंसर भी बोलते हैं वो हमारा खराब है। सेंसर खराब होने के अलावा इसमें जो आप ये टोइन व्हील देख रहे हैं और ये आप डम्पर पुली भी देख रहे हैं, जिसे वाइब्रेट पुली कहते हैं, अगर इसके बोल्ट लूज होते हैं तो भी हमें ये फालकोट देखने को मिल सकता है। अगर हमारे ये टोइन व्हील के जो छेद होते हैं, जो ये क्रैंक शाफ्ट में जहाँ ये कसी जाती है, कई बार उसके जो छेद हैं वो लूज हो जाते हैं और इसके अंदर एक चाल पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी हमें ये फालकोट देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमारा अगर हमारी गाड़ी की टाइमिंग आउट हो जाएगी तो भी हमारा ये फालकोट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि हमारी गाड़ी की टाइमिंग आउट कैसे होगी? एक तो टाइमिंग हमारी इस वजह से आउट हो सकती है, जो हमारी ये डम्फल पूरी होती है जहाँ पर ये कसी जाती है क्रैंक शाफ्ट में, वहां पर एक गरारी होती है, जो हमारी टाइमिंग गरारी जिसको बोलते हैं हम, वो एक तान टाइप के लॉक लॉक के थ्रू क्रैंक वो क्रैंक शाफ्ट में मजबूती से फंसाई होती है। कई बार वो गरारी हमारी घूम जाती है, तो वहां से हमारे क्रैंक शाफ्ट के जो सिग्नल आएंगे वो आउट हो जाएंगे। दूसरा, हमारा जो केम शाफ्ट सेंसर होता है, उसकी जो केम की जो गरारी होती है वो भी कई बार घूम जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारी टाइमिंग आउट हो सकती है। तो ये दो तीन रीजन है
731 फालकोड के आने। अब बात करते हैं हमारे आखिरी फालकोड की जो है 2321, तो चलिए हम इसे भी एक बार देख लेते हैं। इस फालकोड में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्रैंकशाफ्ट इंजन स्पीड सेंसर इंटरमिटेंट सिंक्रोनाइजेशन, का कहने का मतलब है हमारा जो इंजन स्पीड की सेंसर का सिग्नल है वो रुक रुक के आ रहा है, और सिग्नल आता है यानी कभी आ रहा है और जा रहा है, रुक रुक का आ रहा है तो प्रॉपर नहीं आ पा रहा। तो इस कंडीशन में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो ये, या तो हमारा ये जो कपलर है ये लूज पॉइंट हो रहा है, या हमारे यहाँ पर पिनों में डस्ट एंट्री हो गई है, या इसमें जंग आ गया है जिसकी वजह से हमारे सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, जो रुक रुक के जा रहे हैं प्रॉपर नहीं हो रहे। तो फ्रेंड क्रैंकशाफ्ट सेंसर संबंधित, जिसे इंजन स्पीड सेंसर भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड आपको यही 4 फालकोड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको और कोई भी फालकोड देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड हमारी BS6 सेंसर सीरीज के का ये पार्ट 3 है, अगर आप पार्ट 1 और 2 भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और वीडियो के अंत में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आज की तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर।